फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शो मस्ट ब्लॉग। अभी करीबन बज रहा है 11 AM और मेरा ऑलमोस्ट जो हाफ डे का काम होता है वो ख़त्म हो चुका है। दैट मीन्स आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट और मेरा क्लास भी ख़त्म हो चुका है जो बच्चे के साथ मेरा रहता है 9 से 11 बजे तक। तो सेकेंड हाफ मतलब आज लंच का क्या प्रिपेरेशन करेंगे, सोचा कि कुछ हटके किया जाए। वही घिसा पिटा खाते खाते थक चुकी हूँ तो कुछ रॉयल जैसा फीलिंग्स आए घर पे। तो उसका क्या रेसिपी होगा, कैसे क्या बनाती हूँ, वही चीज़ मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो देखें। तो मैं बनाऊँगी आज शाही पनीर। थोड़ा रेस्टोरेंट जैसा फील होना चाहिए ना, तो इसके लिए मुझे जो चाहिए ना, मुझे ये सारा चीज़ ड्राई में चाहिए। ये इलायची, लौंग, ठीक है, शाही ज़ीरा, काजू, और ये मैंने 250 ग्राम अप्रोक्स पनीर लिया है। और इसमें जो मुझे मसाला वगैरह मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ ऑनियन है, और यहाँ पे आप देख रहे हो 7-8 गार्लिक्स मैंने लिया है, और थोड़ा सा मतलब 1 इंच जैसा मैंने जिंजर लिया है। और स्पाइसी तो आपके स्वाद अनुसार आप 3-4 भी ले सकते हो, और इससे ज़्यादा भी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। और साथ में चाहिए मुझे कर्ड। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे क्या करती हूँ ये आपको दिखा रही हूँ। चलिए, तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो प्रोसेस है ये क्या करूँगी, कढ़ाई ऑलरेडी गर्म हो चुका है, यहाँ पे ऐड करूँगी हम लोग 2 कप पानी। ओके, 2 कप आप लोग डाल देना, 2 कप पानी बस हो जाएगा, इतना ही काफ़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम लोग डालेंगे प्याज को, ठीक है, सारा प्याज हम लोग डाल देंगे, सारा प्याज, ठीक है। ये 3 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिया है, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। और इसके बाद 3-4 चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, इससे ज़्यादा नहीं, बस 3-4 हो जाएगा बस। और उसके बाद हम लोग डालेंगे जिंजर, गार्लिक एंड जिंजर सारा डाल देंगे, जिंजर भी डाल देंगे अभी बस। हाँ, डाल दो, बस हो गया। अभी यहाँ पे जो ड्राई सारा है ये डाल देंगे, काजू, शाही ज़ीरा, और जो गरम मसाला मैंने रखा था वो सारा अभी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, इसको तब तक बॉयल करना है जब तक ना ऑनियन स्मैश हो जाए, ठीक है। ये अभी हर्ड है ना, तो उसको हम लोग अभी ढक के रख देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग में आप लोग को मैं शेयर कर दूँगी। तो नेक्स्ट कैसे क्या करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी इसको क्या करेंगे ना, हम लोग इसको छान लेंगे, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप, आप अच्छी तरीके से इसको छान लो, ठीक है, क्योंकि इसका जो पानी है ना काफ़ी मीठा हो चुका है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका टेस्ट मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो ऑलमोस्ट पानी ड्रेन आउट हो चुका है। ओके, वेरी गुड। तो उसको थोड़ा ठंडा करके उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है चलिए मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हो ये ऑलरेडी ठंडा हो चुका है। तो अभी इसको क्या करेंगे, मिक्सर में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना है वो है कर्ड। ओके, तो हम लोग कर्ड यहाँ पे डाल देंगे। अभी इसको एक फाइन पेस्ट कर लेते हैं। अभी पैन ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वाइट ऑयल का यूज़ करेंगे। मैंने फॉर्चून का यूज़ किया है यहाँ पे, बस करीबन हो जाएगा इतना सा। कोई चाहे तो घी भी यूज़ कर सकता है, फाइन। उसके बाद ये थोड़ा गर्म होने के बाद ना, हम लोग ने जो वाइट पेस्ट तैयार किया था ऑलरेडी गर्म हो चुका है पैन, तो हम लोग यहाँ पे जो वाइट पेस्ट करके रखे थे ना रेडी, तो वो हम लोग धीरे धीरे करके डाल देंगे बस। हाँ, जो ग्रेवी देखने में जो अच्छा लगेगा ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो देखो फ्रेंड्स, मसाला कैसे फुदक रहा है यहाँ पे। इस स्टेज पे हम लोग थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है। सॉल्ट ऑब्वियसली स्वाद अनुसार होगा, ठीक है, तो वो आप लोग चेक कर लेना। अभी मैंने यहाँ पे करीबन 2 स्पून डाला है यहाँ पे, ठीक है। मसाला कितना सुंदर सा फुदक रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखो। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे हम लोग, यहाँ पर
इसको पहले से आप थोड़ा सा मिक्सअप कर लो अच्छी तरीके से, ताकि उसका नाचना थोड़ा कम हो जाए, ठंडा हो जाए। ठीक है, फाइन। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम लोग बस, और उसको अच्छी तरीके से आप अभी क्या करना है, उसको ढक देना है। ठीक है, 10 मिनट के लिए। ओके, बस 10 मिनट के लिए हम लोग अभी इसको रेस्ट करने के लिए रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ऑलमोस्ट ये रेडी है। अभी इस स्टेज पे हम लोग को दूध डालना है, ताकि उसका थिकनेस और भी ज़्यादा अच्छा हो। तो अभी डाल देंगे थोड़ा सा दूध, ताकि क्रीमी के लिए बहुत ज़्यादा, और वाइट भी दिखने में भी बहुत सुंदर होगा। तो अभी इसको थोड़ा सा बस, अभी इस स्टेज पे हम लोग डाल देंगे ब्लैक पेपर 1 स्पून, स्मॉल स्पून बस। और अभी डालना है ग्रीन चिल्ली को भी, अभी अच्छी तरीके से उसको बस हिला लेंगे, बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लो इसको। और पिंच ऑफ, अभी इस स्टेज पे आप लोग को क्या करना है, पिंच ऑफ शुगर, ठीक है, ताकि खाने में उसका स्वाद और भी बढ़ाए। सॉल्ट, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी जो ऑनियन का मतलब स्वीटनेस होगा उसको हम लोग ने हटा दिया था, ठीक है। अब पिंच ऑफ शुगर बस, ऑलमोस्ट डन। उसको अच्छी तरीके से अभी मिक्स कर लेंगे। उबाल जैसे आने लगा है ना, इस स्टेज पे हम लोग पनीर को ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पनीर आप लोग का ऑप्शनल है, आप लोग कोई कच्चा भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा हल्का सा मैंने उसको फ्राई करके रखा था, ठीक है। तो अभी इसको डाल देंगे, पनीर को भी अभी डाल देंगे। व्हाट ए लवली कलर, सी पूरा व्हाइट हो रहा है। और फ्लेम आप याद रखना एकदम स्लो, तो फ्रेंड्स देखो ऑलमोस्ट ये हो चुका है स्टेज पे। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी डालूंगी एंड ऑफ द टाइम। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, वाओ, व्हाइट के ऊपर ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। खाने में भी ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यमी है। तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना, मैं सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोग को। और होप कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो पसंद आने से ऑब्वियसली आप लोग शेयर और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो लास्ट में गार्निशिंग कैसे करती हूँ उसको मैं दिखाती हूँ आपको। तो फाइनली देखने में कुछ इस तरीके से, तो डेफिनेटली ट्राई करना। और होप लाइक यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन यू पीपल जस्ट टेक केयर एंड मीट यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, बाय।